आज एको को घर में सब्जी नहीं है। जाओ ना यार, कब गए थे लाने? अरे तुम 2 मिनट चुप रखो कि एको को सब्जी नहीं है। भिंडी था सवेरे बना ही दिया, आप लोग को देखे होंगे, करी चावल बनाए थे, बड़ी नहीं था, बड़ी नहीं था, उसमें बेसन नहीं था, प्रॉब्लम था, ये चलते उसको सिर्फ करी बना दिए। जा रहे हैं सब्जी लाने, हम बाजार से आ गए हैं। अब तुम लोग 2 मिनट चुप रहेगा ना तो कुछ काम करेंगे। हाँ तो मैंने कहा क्या सब्जी लिया, चुप रहेगी यार कुछ देर, तुम जरूर चुप रहे। ये है कटहल, एक मैंने कटहल लिया, अब देखो नहीं कर रहा लाओ किलो, एक किलो भिंडी है और धनिया है, इसमें क्या है यार, हाँ धनिया के पत्ता, धनिया के पत्ता हो गया, आई बोरो हो गया, और हम लोग इसको बोरो कहते हैं लेकिन कहीं कहीं पे इसको बरबट्टी भी बोला जाता है, टाटा में ज़्यादा बरबट्टी ही बोला जाता है। परवल है आधा, यह इतना सब्जी है, ज़्यादा कुछ नहीं लाए हैं, चलने का मन भी नहीं कर रहा था। हाय एवरीवन, जय श्री महाकाल, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज हम बनाने वाले हैं आलू कटहल की सब्जी, जो हम आलू कटहल उबालने के लिए रख दिए हैं। मैं दिखाने मैं बहुत खुश हूँ, कोई टेंशन नहीं लूँगी। ये आलू कटहल उबालने के लिए हम चढ़ा दिए हैं, हल्दी डाल दिए हैं, थोड़ा नमक डाल दिए हैं, वो उबल जाएगा, उसके बाद बनाएंगे सब्जी, तो आप लोगों को भी दिखलाएंगे। और खुशी इसलिए होना पड़ता है कि जो आपके लिए जिए उसके लिए, हम तो उसी के लिए जिए, लेकिन और लोगों का मैंने ठेका नहीं ले रखा है, उसको भाई किसी और के साथ जीना अच्छा लगता है तो वो जिए, मैं क्यों दुखी रहूं दूसरे के फेल में, मुझे अपने बाल बच्चों को देखना है, इसलिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करें। बिहार में तो ऐसे भी औरतों को बहुत दबाया जाता है, मुझे भी बहुत दबाया गया, इसलिए सपोर्ट करें आप लोग। सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग को आर्थिक स्थिति है, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब पे अपना चैनल खोला है। पैसे के बहुत दिक्कत हमको दिया गया और अभी भी दिया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मेरे घर में एक वकील है, बहनचोद, वही निभा रहा है कि इसको बहुत टॉर्चर करो, शुरू से ही टॉर्चर किया जा रहा है, अभी भी टॉर्चर हो रहे हैं हम, इसीलिए मैंने अपना चैनल खोला है कि कुछ पैसे आए, बाल बच्चा को हमको पढ़ाना है, बेटी है एक बेटा है, आप लोग को पता ही है, उसका भविष्य को देखते हुए हमने चैनल खोले हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा प्लीज, तो आप हम आपको बना के दिखलाएंगे। आलू कटहल की सब्ज़ी अभी उबल रहा है, हम जा रहे हैं अभी मसाला पीसने, जीरा, गोलकी, लहसुन, उसके बाद अंतिम में डालेंगे गरम मसाला। कटहल को हमने डाल दिया है, अब ये ब्राउन कलर का होगा, उसके बाद में आलूआ को करेंगे, यहाँ आलूआ जब होगा उसके बाद कटहल मेरा हो गया फ्राई, ये देखिए ब्राउन ब्राउन हो गया, देखो हम अब इसको हम निकाल देंगे और आलू को डालेंगे। आलू मेरा हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब तेल जो बचा हुआ है इसी में मैं फ़ोरन डाल दूँगी, तेज़पत्ता और ये जीरा और सूखा मिर्च, और इसमें मैं प्याज डालूंगी। प्याज हम डाल दिए हैं और ये ब्राउन होगा तब तक इसको हम भून लेंगे। टमाटर भी डाल दिए हैं इसमें प्याज में, अब साथ में भूजेंगे।
ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब इसमें मसाला नहीं, ये सब्जी डालेंगे, उसके बाद मसाला डालेंगे, इससे टेस्ट एकदम मीठ की तरह आएगा। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। अब इसको मैं चला लूँगी अच्छे से। ये देखिए मैंने इसको चला लिया है, अब 2 से 3 मिनट में इसको भूनूंगी, उसके बाद मैं मसाला डालूँगी। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। मसाला डली हुई मिला ही है, जीरा, गलती, लहसुन और मिर्च, बस यही अपना है। अब मैं इसको चला के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने मसाला चला लिया है डाल के अच्छे से। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट भूजूँगी, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ही भूजूँगी, क्योंकि मसाला भी कच्चा है ना, तो उसको कम आँच पर एकदम सीम मैंने कम कर लिया है। ये देखिए थोड़ा और कम करूँगी मैं, हाँ कम में ही इसको भूजिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, एकदम मटन की तरह। कभी बना के ट्राई करके आप लोग देखिएगा। यहाँ पे हम गरम मसाला पीस ले रहे हैं, ज़्यादा कुछ मेरे पास नहीं था। ये दालचीनी है, 2 इलायची है और ये थोड़ा सा अदरक पीस लेंगे। ज़्यादा कुछ मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए जो है वही में काम चलाएंगे। यहाँ पे मसाला मेरा भून गया है, एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये मेरा मसाला भून गया, अब इसमें मैंने जो मसाला पीसा है गरम मसाला वो मैं डाल दूँगी। ऐसा पानी डाल देते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं उभारूँगी नहीं, सीधा तो ऐसा सब है, क्योंकि मैंने कटहल को भी उबाला है और आलू को भी उबाला है, इसलिए मैं इसको 2 मिनट भूज के उसके बाद थोड़ा पानी डालूँगी इसमें, क्योंकि इसको करी वाली हमको बनाना है। एक हाथ में कैमरा, एक हाथ से नहीं हो पाता है। इसे कर लिए और इसको थोड़ा देरी हम भूनेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। थोड़ा देरी हम इसको भूनेंगे। मैंने सारा काम कर लिया लेकिन नमक नहीं डाला है। अभी हमको याद पड़ा कि नमक नहीं डाले, ऐसा नमक डाल के उबाल लिए थे लेकिन नमक नहीं डाले। अभी नमक हम डाल देंगे, अभी थोड़ा सा और भून जाएगा। देख लीजिए इसको कलर, सब्जी ने मेरा तेल छोड़ दिया, देख लीजिए। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, थोड़ा तो चलाना पड़ेगा। ये देख लीजिए तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है, थोड़ा सा और कभी ट्राई करके देखिएगा। ऐसा सब्जी बड़ा अच्छा लगेगा, एकदम हम लगेगा कि जैसे मटन खा रहे हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी, एकदम सीम कम ही है, देख लीजिए। अब इसको ढक के हम पका लेंगे, अब उतारने घड़ी हम आपको दिखलाएंगे और फिर आपको खाने पर मिलेंगे। उसको तोप देते हैं। ये मेरा सब्जी कंप्लीट। अब मैं इसमें ढेर सारा धनिया डालूंगी, ढेर सारा धनिया डालूंगी। अरे हटिया, एक हाथ से कैमरा पकड़ो, एक हाथ से कारनामा होते रहता है। ये देखिए सब्जी, मैं ज़रा देख लूँ सीझा कि नहीं सीझा। ये है आलू, पहले मैं इसको देख लेती हूँ। आलू भी सीख लिया, कटहल, ये है कटहल। वैसे तो मैंने इसको उबाल रखा है, हो गया, देख रहे हो गया है, ये फट जा रहा है। तो अब मेरा सब्जी बन के तैयार। अब मैं चावल के साथ ही आपको दिखलाएंगे, इतना मस्त। ये हम खाना लेके बैठ गए, क्या क्या है देख लीजिए, दिख रहा है, कटहल की सब्जी, रोटी और चावल। अरे कटहल की सब्जी, अब हम खा लेते हैं। पूरा नहीं आ रहा है, पीछे तो जाते।
टेस्ट करके बताते हैं हम लोग कैसा सब्जी है। पहले आप लोग खा लीजिए, कैमरा इधर है ना, ये लीजिए। अब मैं खा रहा हूँ। कभी आप ऐसा ट्राई करके देखिएगा, वो स्वाद मस्त वाली स्वाद है कटहल की। अगर बच्चे आलू ना खोजते तो आदमी सिर्फ कटहल का सब्जी बनाते, कि उन लोग को आलू ज़रूरत है, ज़रूरी है। मस्त लग रहा है खाने में। ठीक है, तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री महाकाल। मेरे महाकाल का असीम कृपा सब पे बरसे।